हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसी टू बुक्स। आज जो बुक दिखाने जा रहा हूँ वो है लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए जेई की वैकेंसी के लिए बुक मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसमें मैं बताऊँगा कि क्या क्या इस बुक में दिया है और कैसे ये हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि आपके न्यू एग्जाम की अपडेट्स डायरेक्ट आपको डेली वीडियोज पर मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आपकी इस बुक की पीडीएफ चाहिए जो अभी मैं दिखाऊँगा, तो वो आप वाईसीटी बुक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो गूगल प्ले बुक्स पर भी ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। अमेजॉन फ्लिपकार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट परचेज वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप पर आप मैसेज करके वहाँ से पेमेंट और एड्रेस भेज के वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बुक है लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की ये बुक रहेगी। सिग्नल कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। सबसे पहले देखा जाए तो इस बुक की जो प्राइस है ये 150 रुपीज़ है, लेकिन आपको मिल जाएगी ये लगभग 100 रुपीज़ में ये मिल जाएगी, प्लस कुरियर चार्जेस लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्ट पेपर है, प्रैक्टिस बुक है। सॉल्ट पेपर कब का है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, सॉल्ट पेपर जो मिलेगा 2016 का जो पेपर हुआ था वो, और 2016 के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के और कंट्रोलर कम CTO के भी पेपर जो हुए 2016 वो मिल जाएंगे। 17 मार्च को हुए थे पेपर। उसके बाद 26 जून 2015 को जो पेपर हुआ था CTO के, उसका मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों की आपके प्रैक्टिस सेट के बाद उसके आंसर की दी जाएगी। आंसर के बाद डिटेल सोल्यूशन भी दिया जाएगा। पहले पेपर है, आंसर की है, फिर उसके बाद डिटेल सोल्यूशन है। यहाँ पे पोस्ट भी दी गई है, कितने नंबर से आप पोस्ट और कौन से डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट कितने आई है और कितने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, हर ब्रांच का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है LMRC में और सलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, रिटर्न टेस्ट है। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन सेटन कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो बताया गया है। तो UP में आपके बहुत जगह हो सकते हैं, जैसे यहाँ लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, जैसा कि रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ से आपका पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है, सर बुक किस लैंग्वेज में मिलेगी। तो बुक बायलैंग्वेज होगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट कॉजेस द डिप्लेशन रीजन, अक्षय क्षेत्र किस कारण से बनती है, किससे बनती है, विसरण, डिफ्यूजन से। तो यह हिंदी इंग्लिश दोनों पर मिलेगा। तो जो भी लड़के परेशान होते हैं, सर हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा, तो दोनों बायलैंग्वेज है, तो आप आराम से बुक खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व पेपर देख सकते हैं। कितने नंबर आप क्वेश्चन आएंगे इसमें वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए नंबर आप क्वेश्चन 140 आते हैं, 90 आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद देखिए 90 नंबर तक मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए 90 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन से क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का 90 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, क्या स्टार्ट हो जाएगा, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100, यानी 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 तक का इंग्लिश पूछा गया है। इसके बाद क्या पूछा जाएगा इसमें, 101 से लेकर आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ पूछी जाएगी, वो 15 नंबर का था। 101 से लेकर 115 तक क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे। डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। 115 तक यहाँ से आपको मैथ हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग यानी लॉजिकल एबिलिटी, वो भी आपके 15 क्वेश्चन है, वो आपको मिल जाएंगे। फिर लास्ट में 10 क्वेश्चन आपका GS का दिया रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, अब 15 क्वेश्चन GS का होगा। 10 क्वेश्चन रीजनिंग होगा, 126 नंबर से जनरल अवेयरनेस स्टार्ट है, 126 से 140, 15 GS का होगा और 10 क्वेश्चन रीजनिंग का होंगे। तो 140 नंबर का ये पेपर हो गया। 3 इसमें सॉल्व पेपर्स मिल जा रहे हैं, 5 आपको अनसॉल्व मिल जा रहे हैं। जो बुक की प्राइस है वो है 150 रुपये है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आपको 100 रुपये में मिल जाएगी, प्लस कुरियर चार्जेस जो लगेंगे वो अलग से है। तो ये बुक की प्राइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू बुक्स और न्यू जॉब की अपडेट्स आपको डेली मिलती रहेगी। और जितने भी बुक रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा कोई बुक की रिव्यू लेना चाहते हैं तो वो मैं दे सकता हूँ। तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।